गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जा रहे हैं हम कहीं घूमने और आपको दिखाती हूँ, बहुत यूनिक जगह है, बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ आपको भी चल के। तो जहाँ जहाँ जाते हैं आपको दिखाते हैं, चलो चलते हैं। फिर पेट्रोल पंप पे और यहाँ भरवा रहे हैं, CNG और पेट्रोल दोनों है। हम ये CNG भरवा रहे हैं और हमारी ये देखिए गाड़ी खड़ी हुई है। सुबह के बज रहे हैं 5 और चलते हैं फिर आगे और आपको दिखाते रहेंगे। चलते हैं आगे फिर दिखाते हैं आपको। जी, कृष्णा खड़ा है वहाँ, अंकल मोनू और ये खड़े देखो कृष्णा के पापा। और चलते हैं, CNG भरवाते हैं फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते रहेंगे। और कितना अच्छा मौसम हो गया, सुबह सुबह बूंदाबांदी हो गई, ठंडी, बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। चलते हैं आगे फिर दिखाते हैं आपको। आ चुके हैं पानीपत में और पेट्रोल भरवा रहे हैं और चलते हैं और आगे। यहाँ का मौसम देखिए कितना प्यारा है। हम आ चुके हैं पंजाब में, एक ढाबे पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए और आपको दिखाते हैं। ये ढाबा बहुत अच्छा है, चीज़ें मिली हुई है यहाँ पे। देखिए पंजाब लुधियाना में और ये होटल है, एक ढाबा टाइप में ढाबा। तो अब चलते हैं आगे, तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं जहाँ जहाँ जाएंगे। और ये देखिए सब खड़े हुए हैं और वो हमारी गाड़ी खड़ी है, अब आगे चलते हैं। और ये हाईवे है और वो है तीतर, देखो वो, देखो तीतर बहुत गर्म है जम्मू कश्मीर में। और ये देखते हैं पठानकोट में, वहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर। गाइस हम आ चुके हैं जम्मू में और हमें हाईवे पे, ये देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ फ्रूट खरीद रहे हैं हम लोग। देखो कितने चिल्ली लाल लीची जम्मू में। और ये है पकौड़ा मार्केट, यहाँ देखिए सारे यहाँ से लेके वहाँ तक पकौड़े ही पकौड़े बिक रहे हैं और वहाँ भी पकौड़े ही पकौड़े बिक रहे हैं। और हमने एक प्लेट ली है पकौड़ों की, ये पकौड़े और यहाँ पकौड़े ही पकौड़े बन रहे हैं। कम से कम यहाँ 100 से 150 दुकानें हैं यहाँ पर पकौड़ों की। होटल में और हमें जम्मू कश्मीर में, तो हमने टोकन का नंबर लगा रखा है क्योंकि हम जा रहे हैं रात में ही, टोकन के लिए लाइन लगी हुई है। और यहाँ सारे लोग सारे बैठे हुए हैं, सारे लोग सब लाइन में बैठे हुए हैं, सुबह तक लाइन लगेगी। रात के बजे हैं 2, हम लोग खड़े हैं अमरनाथ के टोकन के लिए। देखिए कितनी भीड़ है, अभी तो भीड़ आनी शुरू होगी 4 बजे और बहुत भीड़ है। अभी हमें टोकन नहीं मिला और हम भीड़ हुए ऐसे लेटे हुए हैं। ये टोकन की लाइन में कितनी भीड़ है। Good job.